हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग। मैं चंद प्रकाश, आपका टारगेट विद प्रोजेक्ट कॉमन सेंस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हमारी जो क्लास है वो वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास है। विश्व भूगोल के अंतर्गत हम मध्य अमेरिका को समझेंगे। मध्य अमेरिका या केंद्रीय अमेरिका या हम बोल सकते हैं लैटिन अमेरिका क्या होता है, तो उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जो है वीडियो मिल सके। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्लीज आप जरूर दबा दें। दोस्तों आज हम एलसीडी के माध्यम से इस बात को समझेंगे कि ये जो मध्य अमेरिका है वो क्या है, आखिर किस चीज को हम मध्य अमेरिका सेंट्रल अमेरिका के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना दोस्तों, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है जबकि नीचे की तरफ एक दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। इन दोनों के बीच में एक पतली पट्टी है। इस पतली पट्टी को ही हम जानते हैं केंद्रीय अमेरिका के नाम से, जबकि इसके ऊपर मेक्सिको नामक देश है। जब हम इस पतली पट्टी को मेक्सिको के साथ मिला देते हैं तो यही कहलाता है मध्य अमेरिका। कहने का मतलब कि केंद्रीय अमेरिका में जब मेक्सिको जुड़ जाता है तो उसी को हम बोलते हैं मध्य अमेरिका। तो इन मध्य अमेरिका के देशों के बारे में आज के वीडियो में हम स्टडी करने जा रहे हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि आखिर ये लैटिन अमेरिका क्या होता है। तो लैटिन अमेरिका के बारे में आप देखेंगे कि जब मध्य अमेरिका, केंद्रीय अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को हम जोड़ देते हैं तो उसी को हम बोलते हैं लैटिन अमेरिका। यहाँ पर एक और चीज ध्यान रखना कि जो कैरेबियाई देश है जिसे हम वेस्ट इंडीज बोलते हैं, ये द्वीप भी लैटिन अमेरिका के देशों में शामिल किए जाते हैं। तो कुल मिलाकर जब लैटिन अमेरिका आपसे पूछा जाए तो इसमें कैरिबियन द्वीप भी हैं, दक्षिण अमेरिका के द्वीप भी और देश हैं, और साथ ही साथ इसमें मध्य अमेरिका के देश भी शामिल होंगे। तो कुल मिलाकर ये जो भौगोलिकी है मध्य अमेरिका की वो हम पढ़ने जा रहे हैं। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे कि इसके देशों के नाम क्या है। तो देशों के नाम की तरफ हम चलेंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान दें, ये जो पूरा का पूरा जो रीजन है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। सभी देशों को हम एक एक करके देखेंगे। तो आपको बता दूं, ये अमेरिका महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है जिसका ये संयुक्त राज्य अमेरिका देश है, और इसका ये एक प्रायद्वीप है जिसे हम बोलते हैं फ्लोरिडा प्रायद्वीप, जो कि फ्लोरिडा अमेरिका का एक राज्य भी है, स्टेट भी है। बात करते हैं यहां से, तो यहाँ पर मेक्सिको नामक देश है, और मेक्सिको आप देखेंगे एक बड़ा देश है जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका से नीचे लगा हुआ है, और मेक्सिको के बगल से ही कैलिफोर्निया की खाड़ी पड़ती है। कैलिफोर्निया जो ये प्रांत है वो आप देख सकते हैं बगल से, तो कैलिफोर्निया की ये खाड़ी आपको दिखाई दे रही है बगल से। अब यहाँ पर आप देखें पहले कि मेक्सिको में कौन सी पर्वतमालाएं हैं। तो मेक्सिको में जो पर्वतमालाएं आपको दिखेंगी, ये जो डॉट डॉट दिख रहे हैं आपको, ये पर्वतमालाएं हैं जिन्हें हम बोलते हैं सेरा माद्रे ऑक्सीडेंटल और सेरा माद्रे ओरिएंटल। कुल मिलाकर सेरा माद्रे नामक जो पर्वत श्रृंखला है वो मेक्सिको में स्थित है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमने एक और चीज ध्यान दें कि यहाँ पर अटलांटिक महासागर है जो कि आप जानते ही होंगे, जिसका कैरिबियन सागर भाग है जो कि वेस्ट इंडीज के समीप पड़ता है, जबकि यहाँ पर प्रशांत महासागर है। तो दोनों तरफ आप देख सकते हैं, मध्य अमेरिका की एक तरफ अटलांटिक महासागर है जबकि दूसरी तरफ प्रशांत महासागर है। अब यहाँ पर हम एक विशेष खाड़ी की बात करते हैं जिसे हम बोलते हैं मेक्सिको की खाड़ी। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक मेक्सिको की खाड़ी है, और मेक्सिको की खाड़ी के अंदर ही एक कैंपेचो की खाड़ी है। आप देख रहे हैं कैंपेचो की खाड़ी। तो वो आपसे प्रश्न पूछते हैं कि कैंपेचो की खाड़ी स्थित है मेक्सिको की खाड़ी में स्थित है, और ध्यान दें ये कुल मिलाकर जो अटलांटिक महासागर है उसी का ही भाग है। फिर यहाँ पर जब कैंपेचो की खाड़ी से हम बाहर की तब देखेंगे तो हमें एक महत्वपूर्ण चीज दिखाई देगी, और वो है युकाटन जल संधि। युकाटन जल संधि, जल संधि आप जानते हैं, जल संधियां वे भाग होते हैं जो जल दो जलों के भागों को जोड़ने का काम करती हैं। आप देखेंगे युकाटन जो जल संधि है वो मेक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर को जोड़ने का काम कर रही है, और जबकि जल संधि दो जली भागों को जोड़ती है जबकि दो स्थली भागों को अलग करती है। आप देखेंगे यहाँ पर युकाटन जल संधि है वो युकाटन प्रायद्वीप और क्यूबा को अलग करने का काम
कर रही है। तो जब भी आप किसी जल संधि का अध्ययन करें तो आपको ध्यान में रखना चाहिए ये दो जली भागों को जोड़ती है जबकि दो स्थली भागों को अलग करती है। तो कैंपेचो की खाड़ी हुई हमारी, युकाटन जल संधि हुई, अभी प्रमुख पाता है युकाटन प्रायद्वीप। तो युकाटन प्रायद्वीप है ये किसका भाग है, ये मध्य अमेरिका का भाग है, आपको ध्यान रखना है। युकाटन प्रायद्वीप जो कि मेक्सिको के अंतर्गत आता है, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद हमें इस भाग को देखेंगे जो कि काफी छोटे छोटे देश हैं। तो कुल मिलाकर हमारा उद्देश्य इसी भौगोलिकी को समझना है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं कुछ देश हैं सिस्टम से हम देखेंगे, और इसमें देशों की विशेषता ये है कि कुछ देश तो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर दोनों की सीमाओं को छूती है, जबकि कुछ देश सिर्फ प्रशांत महासागर को छूती है या अटलांटिक महासागर को छूती है। तो कुल मिलाकर आपको ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एक देश है वेलीज, ध्यान दें एक देश है वेलीज जो कि अटलांटिक महासागर को ही छूता है बस, आप देखेंगे ये प्रशांत महासागर को छूने का काम नहीं करता है। जबकि एक देश है अल सल्वाडोर, जबकि जो अल सल्वा सॉरी एक देश आप देखेंगे इसमें सॉरी अल सल्वाडोर नहीं है, एक देश है आपका हाँ अल सल्वाडोर ये सॉरी अल सल्वाडोर जो देश है वो सिर्फ प्रशांत महासागर की ही सीमा को छूने का काम कहता है। इसके अलावा आप देखेंगे यहां से स्टार्ट करें मेक्सिको के बाद ये ग्वाटेमाला है, ये वेलीज है, इसके बाद होंडुरास पड़ता है, यहाँ पर अल सल्वाडोर है, फिर आता है निकारागुआ, उसके बाद कोस्टा रिका और लास्ट में पड़ता है पनामा। कुल मिलाकर सबसे लास्ट में जो देश है पनामा है, और यहीं से निकाली गई है पनामा नहर। तो पनामा नहर को आपको जानना चाहिए, पनामा नहर जो है वो किस किस को जोड़ने का काम करती है, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने का काम पनामा नहर के द्वारा किया जाता है। आपसे उत्तर से दक्षिण में इन देशों का क्रम भी पूछा जा सकता है दोस्तों, तो ध्यान रखना पनामा सबसे दक्षिण में पड़ता है, जबकि जो वैलीज है या हम बोल सकते हैं कि मेक्सिको सबसे उत्तर की ओर स्थित देश है। तो इन देशों को आप जरूर ध्यान रखें। इसके बाद हम आगे की तरफ चलेंगे और आगे हम देखेंगे कुल मिलाकर यहाँ के प्रायद्वीपों के बारे सॉरी यहाँ के कुछ द्वीपों के बारे में। तो यहाँ के कुछ द्वीपों की यदि हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पर द्वीपों को आपको समझना है कि यहाँ पर जो द्वीप हैं वो दो तरीके से बटे हैं। ये पूरे के पूरे जो द्वीप हैं ये कैरेबियाई द्वीपों के नाम से जाने जाते हैं। कैरेबियाई द्वीप आप देख रहे हैं, तो कैरेबियाई द्वीप जो कि कैरेबियन सागर में स्थित है उनके बारे में हमें पढ़ना है। तो यहाँ पर ध्यान दें ये द्वीप दो भागों में बटे हैं, एक है ग्रेटर एंटिलीज जबकि दूसरे हैं लेसर एंटिलीज। कहने का मतलब कुछ द्वीप हैं जो बड़े आकार के हैं, या आप देख रहे हैं क्यूबा, हेती, डोमिनिकन रिपब्लिक और पोर्टो रिको, ये बड़े आकार के द्वीप हैं, जबकि छोटे आकार के द्वीप आप देखेंगे ये आपको दिख रहे हैं यहाँ पर लेसर एंटिलीज के द्वीप। तो इस आधार पर इनका विभाजन किया गया है। तो हम अब एक एक करके देखेंगे, सबसे पहले हम आते हैं क्यूबा पर। क्यूबा जो कि आप जानते होंगे, क्यूबा जिसकी राजधानी हवाना है और एक प्रमुख देश है, किस महासागर में स्थित है आप कह सकते हैं, कैरेबियन सागर या अटलांटिक महासागर में स्थित ये देश है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं क्यूबा जो है फ्लोरिडा जलसंधि के द्वारा फ्लोरिडा से अलग है, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका से ये अलग होता है। और चीनी के उत्पादन में ये एक प्रमुख देश है, विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है क्यूबा। तो यहाँ पर हमने क्यूबा के बारे में बात की। आगे चलते हैं हम, दूसरा देश पड़ता है हेती। ये हेती देश है जिसकी राजधानी है पोर्टो प्रिंस, हेती की राजधानी पोर्टो प्रिंस है। इसके बाद इसी में लगा हुआ एक और देश है डोमिनियन रिपब्लिक या डोमिनिकन गणतंत्र है, जिसकी राजधानी है सेंटो डोमिंगो। यहां पर मैं आपको बता दूं कि हेती को और डोमिनियन रिपब्लिक को संयुक्त रूप से हिस्पैनियोला नामक देशों के नाम से जाना जाता है, मतलब ये जो देश है हिस्पैनियोला के नाम से जाने जाते हैं। इसके बाद एक और देश पड़ता है पोर्टो रिको है, लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज ध्यान रखना कि इन द्वीपों में से पोर्टो रिको द्वीप जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत आता है। वो आपसे पूछेंगे निम्न में से कौन सा द्वीप कैरिबियन सागर का संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत स्थित है, तो आप बताएंगे कि पोर्टो रिको जो द्वीप है संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत आता है, जिसकी राजधानी है सैन जुआन। तो ये जो द्वीप हुए क्यूबा, हेती, डोमिनियन रिपब्लिक और पोर्टो रिको, ये बड़े आकार के द्वीप हुए और ग्रेटर एंटिलीज के नाम से ये जाने जाते हैं। यहाँ पर एक और द्वीप है बहामास द्वीप के नाम से जाने जाते हैं,
और जो कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहे हैं। अब हम चलेंगे छोटे दीपों की तरफ जो कि लेसर एंटलिज के नाम से जाने जाते हैं। तो जब हम छोटे दीपों की तरफ बढ़ते हैं तो आपको शायद स्क्रीन पर अब दिक्कत हो क्योंकि छोटे से छोटे टर्म होंगे, तो यहाँ पर आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है, सिर्फ जो बातें मैं बताऊंगा वो आपको ध्यान रखनी है। ये एरिया हम पढ़ चुके हैं, आपको पता होगा, इस एरिया को हमने अभी पढ़ लिया है। तो ये जो दीप है लेसर जो दीप है एंटलिज के, उन्हें आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर मैं एक और चीज बता दूं, क्यूबा जो है उसे हम एंटलिज के मोती के नाम से जानते हैं, ये एंटलिज का मोती कहलाता है। यहाँ पर देखो आपने कुछ देश सुने होंगे, नंबर एक सुना होगा आपने वर्जिन द्वीप समूह, दूसरा सुना होगा बरबुडा और एंटीगुआ, और तीसरा सुना होगा आपने ट्रिनिदाद और टोबैगो। तो ये जो ट्रिनिदाद और टोबैगो है जिसकी राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन है, इसे आप अच्छे से याद रखें। ये ट्रिनिदाद और जो टोबैगो है वो पोर्ट ऑफ स्पेन जिसकी राजधानी है, ये जो लेसर एंटलिज है या वेस्ट एंटलिज के जो द्वीप समूह है उसमें सबसे दक्षिण में स्थित देश है या दक्षिण में स्थित द्वीप समूह है। तो आपको ये चीज ध्यान में रखना चाहिए। और साथ ही साथ बरबुडा और एंटीगुआ ये उत्तर की ओर में स्थित है, इसके बीच में भी कई देश है लेकिन ये देश ज्यादातर पूछे नहीं जाते हैं। तो कुल मिलाकर ट्रिनिदाद और टोबैगो को आप ध्यान में रख सकते हैं। इसके बाद आप इस एरिया को जानते ही हैं, ये दक्षिण अमेरिका पड़ेगा जिसको हम आगे चल के पढ़ेंगे। यहां पर मैं आपको एक और जानकारी दे दूं कि ये जो देश है, ये जो पनामा शहर है, ये जो पनामा शहर है या पनामा नगर है, ये जिस दक्षिण अमेरिका के देश से जुड़ता है उसका नाम कोलंबिया है। ये कोलंबिया से जुड़ता है और कोलंबिया को आप देखेंगे ये दक्षिण अमेरिका का एकमात्र ऐसा देश होगा जो अटलांटिक महासागर को भी टच करेगा और साथ ही साथ प्रशांत महासागर को भी टच करने का काम करता है। तो कुल मिलाकर दोस्तों हमने ये जाना यहाँ पर कि किस तरीके की भौगोलिकी मध्य अमेरिका की है, या हम बोल सकते हैं कि वेस्ट इंडीज द्वीप समूह की भौगोलिकी किस तरीके की है। तो दोस्तों मेरा जो उद्देश्य था आपको इस एरिया से परिचित कराना था, और ये आपका पांचवा वीडियो था जो वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित। और दोस्तों आप जो अगर पूरे वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो भी मिलेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित। तो साथ ही साथ अभी तक हमने 15 टेस्ट वर्ल्ड ज्योग्राफी के डाले हैं, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के उन 15 टेस्टों को सिस्टमेटिक रूप से आप लगाते जाइए। ये थ्योरी हम बाद में करा रहे हैं लेकिन हमने टेस्ट इसके पहले करवा दिए थे, आप अगर उनको करते हैं तो आपकी ये पकड़ बहुत अच्छी बनेगी, बहुत मजबूत बनेगी। तो दोस्तों आपको ये प्रयास कैसा लगा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा चैनल को अन्य लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। आपको सारी चीजें इसी तरीके से सिस्टमेटिक रूप से कराई जाएगी और बिना किसी उसमें फंसे हुए, विशेष प्रक्रिया में फंसे हुए, हम सिस्टमेटिक रूप से पूरे सिलेबस को जल्दी से जल्दी कवर करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।